अब तुम शादीशुदा हो यार, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ शानी, उनकी नहीं। वो क्यों पैसे देंगे? तुम्हें रेस्टोरेंट लेके गया, खाना खिलाया, बाहर घुमाया फिराया, और तुम इतना सा नहीं कर सकती मेरे लिए? शानी, मुझे लगा कि वो सब तुमने मेरी खुशी के लिए किया, तुम ये सब मेरी चापलूसी के लिए कर रहे थे। सब बात सुनो, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। सीधी सी बात, कल तुम उनके घर जाओगी और पैसे लेके आओगी, ठीक है? तुम बिल्कुल पागल हो गए। ना मैं उनके पास जाऊंगी और ना मैं उनसे पैसे मांगूंगी, इसलिए तुम्हें जो करना है तुम वो करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मुझे गुस्सा चढ़ा रही हो, और तुम जानती हो कि जब मुझे गुस्सा चढ़ता है ना तो मैं कितना खतरनाक होता हूँ। शानी, मुझे दर्द हो रहा है और तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला। तुम पागल हो शानी, क्या कर चलो अंदर। तुम क्या कर रहे हो शानी? पागल नहीं बनो, खोलो दरवाजा। चाची, चाची खोलो दरवाजा। चाची, ये कैसा शोर है, क्या हो रहा है? चाची, ये तो रमशा की आवाज है, भैया के रूम से आ रही है। चलो सर। शानी, दरवाजा खोलो, ये क्या बदतमीजी है शानी? हाय शानी, ये क्या कर रहे? कोई इसे दरवाजा नहीं खोलेगा जब तक मैं वापस ना आऊं। नहीं शानी, ये चाबी दे दो, ये नहीं करो तुम, ये क्यों कर रहे हो? मैं इसे बताता हूँ क्या कर रहे। अपने अब्बू को फोन मिला, जल्दी से उन्हें बुलाओ, फोन करके जल्दी करो बेटा, हम आ रहे आ रहे। चाची, चाची प्लीज दरवाजा खोल दे, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। चाची हम बहुत गिर पे हो रहे हैं। शानी, शानी, शानी प्लीज दरवाजा खोलो। शानी, शानी मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, दरवाजा खोल दो। शानी प्लीज दरवाजा खोलो। अल्लाह, तुम्हारे अब्बा से बात हुई? नहीं अम्मी, फोन ही बंद जा रहा है। या अल्लाह, मैं क्या करूं, इतनी गर्मी है और ये लाइट पता नहीं क्यों चली गई। अंदर उस बच्ची का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। मिलाओ शानी, शानी को फोन मिलाओ, बात कराओ मेरी। अच्छा नहीं उठा रहे भैया अभी। या अल्लाह, मैं क्या करूं, बताओ, इतनी गर्मी में हमारा ये हाल हो रहा है, पसीने नहीं रुक रहे, तो वो बच्ची बेचारी अंदर कमरे में बंद है, उसका क्या हाल होगा इस गर्मी आपस में? मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। मुझे दो थप्पड़ लगा के ना शानी से मैं कमरे की चाबी ले लेती, मुझे क्या पता था कि वो इतनी देर के लिए घर से बाहर जाएगा। सही कह रही है, मैं तो खुद नहीं सोच सकती थी कि भैया इस तरह की हरकत करेंगे रमशा के साथ। अच्छा तुम अपने अब्बा को फोन मिलाओ और साथ मुझे चादर ला के दो मेरी। आप कहाँ जा रही हैं? अरे मैं जाऊँ जाके शानी को देखो, किसी उपचाई के होटल पे यहाँ करीब बैठा होगा। देखो अगर हम यहाँ घर में बैठ के उसका इंतजार करते रहे ना, वो तो रात तक घर में नहीं आएगा। खुदा ना खास्ता इस हब्स में गर्मी में रमशा बेचारी को कुछ हो गया तो हम भाभी मरहूमा को, भाई साहब मरहूम को हम क्या जवाब देंगे क्यामत के दिन कि हमने उनकी बच्चे का ये ख्याल किया है? इस्तग़फ़ार, जाओ जाके लेके आओ मेरी चादर। नीचे आ रही हूँ। Thank you.
इस टाइम कौन आ गया है? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ भाई, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप कहीं जा रही थी क्या? नहीं, हाँ वो दरअसल बस यही सब्जी लेने। अकेली आई है क्या? नहीं नहीं, अफनान भी है, वो गाड़ी पार्क कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिल रही थी उसे। अच्छा, आ जाएगा पार्क करके। आप आए? आए। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? हाँ, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। हमें तो कोई जरूरत नहीं थी, मैंने सोचा शायद ये चीजें आप ही के कुछ काम आ जाएं। क्या हो गया पप्पू, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, लाइट कब आएगी? काफी देर से गई हुई है। जनरेटर नहीं है आपके पास? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं। मुझसे कुछ कहा आपने? जनरेटर नहीं है? नहीं, वो खराब है। आप प्लीज रमशा को बुलवा दें, वहां इतनी देर के लिए आए नहीं है, बस मिलके निकलेंगे। अरे वाह 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 वाह, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, आज अच्छे मौके पे आए हैं आप लोग। रमशा से मिलने आए? जाहिर है, वरना हम यहाँ क्या करने आएंगे? दरवाजा खोल दो। क्या? दरवाजा खोल दो? हाँ हाँ, अभी खोल देता हूँ उसको दरवाजा। मैं जरा अपने ससुरालियों से तो मिल लूं। आप प्लीज रमशा को बुला दें, हम फिर उसके बाद जाएंगे। वो रमशा ऊपर कमरे में बंद है।